बिहार के मधेपुरा में है ये कॉलेज चौक है, और नॉमिनेशन का दौर ख़त्म हो गया, बिहार में नगर निकाय का चुनाव है, और ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुमारी विनीता भारती है, लगातार मेहनत कर रही है, जनता से मिल रही है। हम सीधे बात करेंगे कुमारी विनीता भारती से। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है, क्या कुछ जी? आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके आपके चैनल को भी, और मधेपुरा नगर परिषद की महान जनता को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। लगातार आप मेहनत कर रही है, घर घर जा रही हैं, जब आप लोगों से मिलती हैं, बातचीत करती हैं, तो परेशानी और समस्या क्या सुनने को आपको मिली? देखिए, मैं विगत 10 साल से वार्ड पार्षद रही हूँ और घर घर लोगों से जुड़ी, घर घर लोगों के दुख दर्द को जानी। तो इस बार जो सरकार द्वारा यह सराहनीय कदम है मुख्य पार्षद महिला उम्मीदवार का, क्योंकि मैं 10 साल से वार्ड में खुद काम की, तो मुझे जो काम का लगा कि जनता का जो दुख दर्द होता है, विगत में एक साल से हर घर दस्तक दे रही हूँ और वहाँ की जो स्थिति को देख रही हूँ और लोगों का जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है कि मैडम आप महिला हैं और महिला उम्मीदवार यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर के प्रतिनिधि हैं। कुछ तो पूर्व में समझिए मुख्य पार्षद रह गए, वह भी उम्मीदवार है, आखिर मधेपुरा को किस और ले जाना चाह रहे हैं? नगर परिषद को नरक परिषद की स्थिति में तो बना ही दिए हैं विगत आज 15-20 सालों से, तो आज मधेपुरा को किस तरह बिहार के नंबर वन में पहुँचाना है? जनता का जो स्नेह प्यार मुझे मिल रहा है, मेरी माताएं बहनें मेरे बुजुर्गों जो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये समर्थन आने वाले दिनों में मधेपुरा परिवर्तन की ओर है, और आने वाले दिन में मधेपुरा के एक एक व्यक्ति मुख्य पार्षद होंगे। न कोई बड़ा गेट होगा, न ग्रिल होगा, न कुत्ता होगा, सीधे जनता मुख्य पार्षद यहाँ के होंगे। ये कुत्ता और ग्रिल कहाँ से आ गया? क्योंकि जो पहले पूर्व में रह चुके, मैं क्षेत्र जाती हूँ तो मुझे बहुत सारे जनताओं से सुनने के लिए मिलता है कि मैडम बड़ा भीड़ से आहार जकरा बने लिए, वो गेट पर कुत्ता बांधने रहे, वो दस्तखत करे ला नहीं मिले रहे। तो हम लोगों को जो उनकी समस्या को सुनते हैं तब लगता है कि सच में ये अपना दुख का अनुभव मुझे बता रहे हैं, तो उनके दुख से जो मैं अवगत होती हूँ, उन्हें कुत्ता काट ले आता, जो व्यक्ति को कुत्ता काटेगा वह जीवन भर भूलने वाला बात नहीं है। तो उन्होंने जो अपने दुख को शेयर किया, उन बातों को लेकर के मुझे भी लगा कि गेट पर ना कुत्ता होना चाहिए, ना ग्रिल होना चाहिए, सीधे जनता का मुख्य पार्षद जनता के बीच होना चाहिए। देखिए, संघर्षी जीवन है, और यदि आप काम कीजिएगा तो न आपको कोई जात न पात न विभिन्न आपको समुदाय के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, यहाँ ना कोई जात है ना धर्म है। यदि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपके साथ मधेपुरा के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक महान सम्मानित आपके साथ कदम से कदम मिला करके इस चुनाव को लड़ने का काम कर रही है और विनीता भारती को जिताने का काम कर रही है। आप खुद अपने जवान से कह रहे हैं जिताने का काम कर रहे हैं, कैसे? बिल्कुल, बोले मैडम अहाँ कथी हैरान है छे, अहाँ से बढ़िया उम्मीदवार के छे खटे वाला, कोई अपना कन्या का आय निकाल लक है? ऐसा पहले हमारा का नाम वो सुने रही है, दूल्हा आवे रे कह रहे हमार कन्या उम्मीदवार छे, यहाँ तो ऐसा नहीं, 20 साल से अहाँ के देखे सड़क पर से ला के सदन पर मेहनत करे, अहाँ से उम्मीदवार के अहाँ घर घर जाए छे, लोग एते दिना दोसर के भरोसे लड़े छे, अहाँ खुद कहे छे खुद काम करे छे, अहाँ के सड़क से ला के सदन तक देखलू, तो मुझे लगता है अहाँ हराने के जरूरी नहीं छे, लेकिन अहाँ अलिए अहाँ के स्वागत छे, अहाँ जीत के माला पिन लिया, हमरा आर के अहाँ के लिए जीत के माला पिन्हा के रखने छी। अब तक कुल कितने वार्ड आप जा चुकी हैं? जब कितने वार्ड हो गया है? देखिए, मैं प्रत्येक वार्ड का दौरा साल भर से कर रही हूँ और मैं प्रत्येक घर जा चुकी हूँ, वही घर हमसे छूट गए हैं, जो मान के चलिए दिनचर्या में कोई ऑफिस जा रहे, कोई पति पत्नी जॉब में है, मैं उस घर भी गई, लेकिन वहाँ ताला लगने के वजह से मैं मिल नहीं पाई। मैं आपके माध्यम से फिर कह रही हूँ कि मैं उस घर जाऊँगी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आपसे मिल नहीं पाई। इस चुनाव को आप लोग लड़ रहे हैं, कुमारी विनीता भारती नहीं लड़ रही, इस चुनाव को आप लोग लड़ रहे हैं। प्यार और आशीर्वाद कितना मिल रहा है विनीता भारती? प्यार और आशीर्वाद का तो शब्द ही नहीं है मेरे पास, इतना मिल रहा है कि मैं महिला होने के नाते हर घर जाती हूँ और सारा गम भूल जाती हूँ। मुझे लगता है कि मैं इस चुनाव को नहीं लड़ रही हूँ, मधेपुरा नगर परिषद की माता हमारे मानी महान जनता इस चुनाव को लड़ रही है। 5 ऐसा काम गिना दीजिए, बता दीजिए, जो जीतने के बाद आप पहली प्राथमिकता होगी जो आप कर देंगे। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं वार्ड नंबर 2 की विकास की हूँ, मैं उस मॉडल पे मधेपुरा नगर परिषद की 25-26 वार्ड में काम करूँगी, खास करके सड़क की समस्या। आज मेरे वार्ड में आप जाइएगा, घर घर आपको कच्ची हो या पक्की हो, घर घर सड़क मिलेगी, आपके घर से एम्बुलेंस निकलेंगे, आपकी बेटी की शादी में दिक्कत नहीं होगी। मैं मधेपुरा नगरवासी को यह वादा करती हूँ कि मुझे जिताइए, और मधेपुरा में खास करके जो सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है, नाला की समस्या, आवास की समस्या, शौचालय की समस्या, वृद्धा पेंशन की समस्या, मधेपुरा को बिहार के नंबर 1 तक पहुंचाना मेरी पर। दूसरा,
दूसरा हो गया आप आज महिला शौचालय की आप देख रहे हैं, कहीं यदि आपको मिलेगी तो ताला लगल मिलेगी, वहाँ आपको बंद मिलेगा। आज मेरी माता है बहने, घर में शौचालय तो नदारत है, अगर महिलाओं को अगर जरूरत पड़ जाए तो उसे फिर कहाँ जाना होगा, आपको पता है? मुझे पता है, इसलिए मैं कह रही हूँ, मैं महिला हूँ, खास करके समस्या आ रही है और मेरी माता है बने मुझे कह भी रही है। मैं प्रत्येक चौक पे महिला शौचालय की व्यवस्था पुरुष की भी कराऊंगी और महिला शौचालय भी कराऊंगी। आज पार्किंग की समस्या देख लीजिए, यदि आप बहुत बड़े दुकानदार हैं और आपके आगे गाड़ी लगी हुई तो आपको पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। आज आपकी माता है बने यदि खुलेआम निकलती है तो उनका चैन चोरी होता है। शहर में CCTV आपको मिलता होगा लेकिन कहीं एक भी चोर पकड़ाया नहीं होगा, लेकिन चोरी की घटना रोज होती है। तो मैं इन सब काम को प्राथमिक से लूंगी और मैं हर घर, इसलिए मुझे लगता है कि हर घर के दुख से मैं वाकई हूँ, मैं यहाँ की बेटी भी हूँ, यहाँ की बहू भी हूँ। तीसरा क्या काम होगा? तीसरा मेरा काम होगा जी, मेरी माता है बने आज जन्म प्रमाण पत्र हो, ऑफिस में आपको दस्तखत के लिए कोई नहीं मिलेंगे, आपको मुख्य पार्षद पटना दिल्ली या बम्बई में मिलेंगे, लेकिन ये मुख्य पार्षद आपके घर में मिलेगी। चौथा ये है कि आज दिन भर आदि आप आवाज के लिए प्लास्टिक टांग के रह रहे हैं और उनको आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं है, तो वो मेरी ज़्यादा प्राथमिकता रहेगी। वृद्धा पेंशन के लिए जो मेरे माता बने वृद्धा पेंशन लेने लगा, मैं तो आपको सड़क की समस्या बोली, पानी की बोली, नाला की बोली और ख़ास करके मैं ये भी बोली कि मधेपुरा को बिहार के नंबर वन तक पहुँचाना। क्या काम होगा? पाँचवा मेरा काम यही रहेगा कि मैं जनता के सुख दुख में 24 घंटे खड़ी रहूँगी, मैं आपकी सेवक बन के खड़ी रहूँगी। आप मेरे मुख्य पार्षद हैं, न कि मैं आपकी मुख्य पार्षद हूँ। सब लोग जीतने के बाद वादे करते हैं, दावे करते हैं, जीतने के बाद हकीकत ये होती है कि जनता पहुंचते हैं दरवाजे पे तो नहीं है, यहाँ है वहाँ है, आप पे कैसे विश्वास करें, कैसे जनता को अपनी बातों में ले आइएगा, ये बड़ी बात है। सब बहुत बड़ी आपकी प्रश्न है, मैं इनका भी जवाब दे रही हूँ। मैं विगत 10 साल से पार्षद हूँ और मेरे वार्ड में मैं जनता के बीच हर समय अवेलेबल रहूँ, इसीलिए जनता मुझ पर विश्वास करके जिताती थी तो मैं जनता के सुख दुख में शामिल रहती थी। इसी तरह मधेपुरा नगर परिषद की महान जनता मुझे मौका देगी तो मैं 24 घंटे उसके लिए अवेलेबल रहूँगी, उसके दरवाजे तक अवेलेबल रहूँगी, क्योंकि मैं काम पर विश्वास करती हूँ, न कि मैं नाम पर विश्वास करती हूँ। मैं कल वार्ड नंबर 2 गया था, सवाल इसलिए आपसे हैं क्योंकि आपने भी वार्ड पार्षद खुद बता रहे थे कि 10 साल से, बहुत लोगों की नाराज़गी है कि मैडम ने कुछ काम नहीं किया, बहुत लोगों को इंदिरा आवास नहीं मिला, सड़क नहीं मिला, ऐसे लोगों को मैडम कैसे मना पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। देखिए उनका गुस्सा ना जायज है, हम पार्षद हैं, खास करके बिहार सरकार की जो भी योजना थी LPC से जुड़ा हुआ मामला था, घर वहाँ पास है लेकिन आपका LPC बना नहीं हुआ, आपका जमीन यदि ज्वाइंट है तो फिर आपको वंश वृक्ष बना समझाइएगा कैसे, उनको कैसे समझा पाएंगे? और मैं समझा भी रही हूँ, और हर जीवन के दो पहलू होते, पक्ष और विपक्ष, मेरे भी विपक्षी रहे होंगे, हो सकता है कि आप मेरे विपक्षी से के यहाँ जा करके पूछे होंगे, हमने एक आम इंसान से पूछा, सड़कों पे चलने वाली महिलाओं से पूछा। मैं मान रही हूँ उनकी भी समस्या को मैं सुन रही हूँ और खास करके मैं नगर परिषद में जा करके खुद कार्यपालक महोदय से कई बार मिली हूँ, उनकी बात को रखी हूँ, उनकी समस्या को रखी हूँ, लेकिन सरकारी कारण के कारण या वही वंश वृक्ष या LPC के कारण जो उनमें लेट हुई है, मैं उनसे भी माफ़ी मांगती हूँ कि मैं आपका काम हर जो भी कमी रह गया उनको हर हमेशा मुख्य पार्षद बन के पूरा करूँ। वासियों से क्या निवेदन करेंगे? मैं प्रणाम करके बोल रही हूँ कि मधेपुरा को स्वच्छ सुंदर सुसज्जित सुशोभित बनाने के लिए सब खड़े एक हो करके खड़े हों, मधेपुरा नगर परिषद की विकास के मुद्दे पर, यह नगर आपका है, यह मधेपुरा आपका है, आप यहाँ के मुख्य पार्षद होंगे। सबों को मैं फिर से प्रणाम करती हूँ। मेरी जीत को लेकर कितना अस्वस्थ है? मैं नहीं अस्वस्थ, मेरी जनता अस्वस्थ है, जनता मेरे मालिक है, मेरे लिए वह चुनाव लड़ रही है, मेरी जनता खुद अस्वस्थ है, तो मेरी जीत जनता की जीत है। तो हमारे साथ बातचीत कर रही थी कुमारी विनीता भारती है, मधेपुरा से आती है और ये उम्मीदवारी दर्ज की है अपना मुख्य पार्षद पद के लिए, लगातार मेहनत कर रही है, घर घर जा रही है, फजीहत भी झेलना पड़ रहा है लेकिन जनता को रिझाने का काम कर रही है, मनाने का काम कर रही है और काफ़ी कुछ इन्होंने हमसे बातचीत किया। खबर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, कमेंट कर दें, लाइक कर दें, बहुत बहुत शुक्रिया।